नहीं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं एक बार, जो अपने जो पढ़ा वहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत बेसिक है। साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई फोर इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। अब बेटा देखो, अपन याद भी कर सकते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू पाई बाई सिक्स होता है। आप चाहो तो कन्वर्ट करके देख लो बेटा, 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180 तो कितना आता है, पाई बाई सिक्स ही आता है। तो अब याद कर लेना चाहिए बेटा हमारे को कि 30 डिग्री का वैल्यू पाई बाई सिक्स होता है, मतलब पाई बाई सिक्स है तो 30 डिग्री है। 45 डिग्री का वैल्यू पाई बाई फोर होता है, 45 डिग्री का वैल्यू पाई बाई फोर होता है, ठीक है ना। मतलब अगर 45 लिखा हुआ है मतलब पाई बाई फोर लिखा हुआ है। 60 डिग्री का वैल्यू पाई बाई थ्री होता है और 90 डिग्री का वैल्यू पाई बाई टू होता है। कम से कम इतनी सी बात तो हमें याद कर लेनी चाहिए, बार बार काम में आएगा। तो अब चाहो तो ऐसे याद कर लो, चाहो तो कन्वर्ट कर लो। साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स को लिखो पहले कन्वर्ट करके, पाई बाई सिक्स इंटू 180 बाई पाई डिग्री बनाओ पहले, फिर कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री इंटू पाई 180 बाई पाई डिग्री बना रहे सबको। और इसको लिखो बेटा टेन स्क्वायर पाई बाई फोर इंटू 180 बाई पाई। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया बच्चों, ये पाई और पाई कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, सिक्स से कैंसिल हो रहा है 30 टाइम्स, थ्री से कैंसिल हो रहा है 60 टाइम्स और फोर से कैंसिल हो रहा है 45 टाइम्स। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री आ गया, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री आ गया और टेन स्क्वायर 45 डिग्री आ गया। अब साइन 30 कितना होता था आप बताओगे, 1/2 होता है। कॉस 60 कितना हो? जी बेटा, हाँ सॉरी बेटा, वो माइनस का टेन स्क्वायर है ना, लिखने में एरर हो गया। अब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो वही कॉस 1/2 का स्क्वायर हो गया और टेन 45 मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस का 2/4 जो कि माइनस का 1/2 होता है, जो कि माइनस का 1/2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा सिंपल सा था, कॉपी कर लीजिए, डाउट है तो बोलिएगा। और मेरी बात मानिए, इसको याद कर लीजिए बेटा, बहुत काम में आने वाली बातें हैं। अगर पाई बाई सिक्स लिखा हुआ देखिए मतलब 30 डिग्री है, पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री है, पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री है। कॉपी हो जाए तो बोलिएगा। कॉपी हो गए बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखो बेटा, चाहो तो कन्वर्ट करो, चाहो तो सीधा कर लो सॉल्व। टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री सीधा कर दूं बच्चों, कोसेक स्क्वायर। अब देखो इसका वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो मिल जाएगा वैल्यू, 210 डिग्री। कैसे मिला देखो, 7 पाई बाई 6 और मैंने कहा पाई बाई 6 याद कर लो 30 होता है, तो 30 इंटू 7 कितना होता है, 210 डिग्री होता है। मान लो अभी याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं बेटा, हम ऐसे कर लेंगे सॉल्व, इंटू पाई बाई 180 सॉरी 180 बाई पाई और पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों, 630 टाइम्स। और कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, 180 बाई पाई, सब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों।
तो आ जाएगा 2 sin² 30 degree। अब ये आएगा कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री, और 210 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे 90 into 2 + 30। भाई 210 को अगर आप 90 से डिवाइड करोगे तो दो बार जाएगा और 180 आएगा और रिमाइंडर 30 आ जाएगा। तो इसको लिखोगे 90 into 2 + 30, और ये आपका हो गया था 60 डिग्री। तो यहाँ लिखोगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू पता है, 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो पहले बाहर स्क्वायर लगा लो। भाई हमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर कि कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई भी नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उसका मतलब होता है कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट चेक करो, 90 into 1 यहाँ पे आता है, 90 into 2 + 30, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है। और क्या चलेगा, तो इवन है तो सेम चलेगा। तो क्या चलेगा, साइन का साइन चलेगा, कॉसेक का साइन, साइन का कॉस, कॉसेक का सेक चलेगा, इसका सेक चलेगा। और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री,